नमस्कार साथियों, आज एक नए सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। वो है आरओ एआरओ के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए। जिन साथियों का प्री का एग्ज़ाम लगभग तैयार है, उन्हें लग रहा है कि हमें हमारा प्री निकल जाएगा, तो उनके लिए ये वीडियो हैं जो चाहते हैं कि हम अपने तैयारी के कुछ समय में उसमें हम मेंस की कुछ तैयारी करते रहें, जिससे कि वो श्योर हो सकें कि हम मेंस के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। इसके लिए मैं आरओ एआरओ के मेंस एग्ज़ाम के लिए जो आपका सिलेबस में पत्र लेखन और गद्यांश लेखन, साथ साथ जो आपका निबंध लेखन है, इन तीनों टॉपिक पर हम टॉपिक वाइज चर्चा करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे पत्र लेखन पर, और पत्र लेखन का हम समझेंगे कि पत्र लेखन में जो पत्र का मुख्य भाग क्या क्या होता है। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है आपका पत्र के मुख्य भाग। पत्र के मुख्य भाग, पत्र के कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले पत्रांक। पत्र का जो मुख्य सबसे पहला भाग होता है पत्रांक होता है, जिसे हम पत्र संख्या भी लिख सकते हैं। पत्र संख्या यानी पत्रांक, यानी पत्र धन अंक, इसका होता है पत्रांक, या फिर हम पत्र संख्या लिख सकते हैं। दूसरा इसका जो भाग होता है वो है प्रेषक। प्रेषक का अर्थ होता है जो पत्र को भेज रहा है, तो दूसरा हो जाएगा पार्ट हमारा प्रेषक। तीसरा पार्ट है प्रेषती। प्रेषती का मतलब है जिसे पत्र भेजा जा रहा हो उसे हम प्रेषती कहेंगे। प्रेषती। चौथा मुख्य जो पार्ट है, चौथा जो मुख्य भाग है वो है दिनांक और स्थान। दिनांक एवं स्थान। पत्र का पांचवा मुख्य भाग है विषय, यानी पत्र किसके विषय में लिखा जा रहा है, पत्र का विषय। पत्र का छठवां भाग है, जब हम पत्र के मुख्य विषय को लिखते हैं तो उसके बाद उसके पहले हम संबोधन लिखते हैं, तो इसका छठा भाग हो जाएगा संबोधन। पत्र का सातवां भाग है इसका मुख्य विषय, यानी उसकी जो मेन बॉडी है उसके बारे में हम डिटेल में लिखेंगे, मुख्य विषय। मुख्य विषय। पत्र का आठवां भाग है समापन, यानी पत्र अब हमने पूरा कर लिया है तो अब उसका हम समापन करेंगे। पत्र का समापन। पत्र का नवा भाग हो सकता है, देखिए आठ तक इसमें मुख्य भाग है, यानी पत्र में ये होना जरूरी है। इसके बाद जो नौवा और दसवां भाग है इसे हम गौड़ भाग कहते हैं। गौड़ का मतलब हो गया ये जरूरी नहीं है कि ये सभी पत्रों में हो, जिसे हम कहते हैं संलग्नक। संलग्नक। और पत्र का दसवां भाग होता है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि, जिसे हम पृष्ठांकन कहते हैं। पृष्ठांकन। तो साथी ये जो पत्र के मुख्य भाग होते हैं
ये 10 मुख्य भाग होते हैं, इन्हीं हम 10 पर चर्चा करेंगे एक एक करके। सबसे पहला भाग है पत्रांग, और पत्रांग कैसे लिखा जाता है पहले हम लिखने का तरीका सीख रहे हैं, उसके बाद मैं आपको इस पत्र का प्रारूप कैसे लिखा जाएगा जो शासकीय और अशासकीय पत्र होता है, जैसे हम शासकीय या अर्धशासकीय पत्र, ये इन दोनों पत्र का प्रारूप भी समझेंगे। सबसे पहले हम पत्र के जो भाग होते हैं उन भागों को समझ लेते हैं। सबसे पहले पत्र संख्या देखें तो पत्र संख्या कैसे डालते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ 10/2/2018-19 ये पत्र संख्या हो गया। तो इन पत्र संख्या में क्या क्या लिखा हुआ है, इस पत्र संख्या में 3 भाग है। पत्र संख्या क्यों डाली जाती है, क्योंकि पूरे दिन चर्या में यानी पूरे दिन भर में कई पत्र आते हैं, उन पत्र की संख्या डालने पर पुनः उन पत्रों को हम खोजना आसान होता है। ठीक है, देखिए इसमें 10 जो है ये पत्र का मूल संख्या है, ये जो है पत्र की मूल संख्या है। इसके बाद ये जो भाग है ये पत्र का उप है, उपमूल संख्या जिसे कह सकते हैं, पत्र का उपमूल संख्या। यानी जैसे कोई पत्र 10 डाला गया हो, 10 के बाद 1, 10-1, 10-2, फिर 10-2 के बाद 10-2 में उसके भाग हों 10 में क, ठीक है, और उसमें फिर क ख छ, इस तरह से ये क्या है आपका पत्र का उपमूल संख्या है, ध्यान रखिएगा उपमूल संख्या। और ये क्या दिखा रहा है, निर्गत वर्ष, यानी पत्र को किस वर्ष जारी किया गया है उस वर्ष को दिखा रहा है, ये हो गया आपका पत्रांक। तो कुछ इसी प्रकार आप पत्र संख्या डालेंगे, या कुछ और दूसरा उदाहरण ले लें, जैसे मैं दे दिया 5/ ठीक है, 1/2024-25 ठीक है, इसमें आपका इसको हम इस तरह डाल देते हैं, ये इस तरह भी डाल सकते हैं। तो ये इस पत्र का मूल भाग है, मूल संख्या, ये उप मूल यानी पत्र का उप मूल संख्या है, और ये उसका निर्गत वर्ष है। आप इस पत्र संख्या को सीधे सीधे भी डाल सकते थे, कोई भी संख्या, लेकिन इस तरह से डालने से ये ज्ञात होता है कि आप इसके बारे में विविध रूप से जानते हैं कि मूल संख्या में यानी पत्रांक में मूल संख्या, उप मूल संख्या और निर्गत वर्ष होते हैं। यानी निर्गत वर्ष तो होगा ही, यदि उसकी उप मूल पत्र की संख्या है तो ये डाली जाएगी, अन्यथा आप केवल इस पत्र संख्या और उसका वर्ष डाल सकते हैं, ये दो चीज़ तो होगा। लेकिन यदि आप उप जो मूल संख्या यदि आप इसे डाल देते हैं तो एग्जामिनर को लगे कि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं प्रेषक। प्रेषक का मतलब होता है कि पत्र को कौन भेज रहा है, और इसमें प्रेषक में 3 चीज़ की जानकारी हम देते हैं, एक तो उस प्रेषक का नाम, उसका पद क्या है, और उसका शासकीय पता क्या है, शासकीय पता, ठीक है, यानी कि प्रेषक में नाम, पद और शासकीय पता होना चाहिए। आगे हम बात करें प्रेषिती की,
तो प्रेषति में आपको दो चीज का उल्लेख करना है। यहाँ पर आप प्रेषति का नाम का उल्लेख नहीं करना है, केवल पद और उसका शासकीय पता का उल्लेख करना है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें दिनांक की। दिनांक कैसे लिखा जाएगा, दिनांक व स्थान, तो इसको लिखते समय ध्यान देंगे। दिनांक इस तरह लिखने के बाद, जैसे आज का हम डेट लिखें तो आज 18 हो गया, तो लिखेंगे 18 अक्टूबर कामा दे देंगे। अक्टूबर को देवनागरी लिपि में ही लिखना है, यानी आप इसको इस तरह नहीं करना है कि 8 और 10 लिख दें, ठीक है। ये तरीका आपको नहीं यूज करना है, यानी आपको 18 अक्टूबर ही लिखना पड़ेगा। इसके बाद जो सन है वो उसका उल्लेख करेंगे, फिर कामा और स्थान का नाम लिख देंगे। जैसे आप कहीं भी, आप किसी भी ज़िले का उल्लेख कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, इस तरह से आप दिनांक डालेंगे। अगला है आपका विषय। विषय आप किस, यानी एक संक्षेप में उसकी जानकारी दे देते हैं कि किसके विषय में आप लिख रहे हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं कि मान लीजिए ज़िले का कोई अधिकारी है, अधिकारी को हम अपने नगर निगम की स्वच्छता के बारे में लिखना है, तो हम लिखेंगे इस तरह कि नगर निगम की साफ सफाई हेतु पत्र, ऐसे लिख सकते हैं आप। यानी एक आप संक्षिप्त में विवरण देंगे उसका विषय क्या, किसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। इसके बाद अगला होता है संबोधन। संबोधन में केवल हम औपचारिक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिसमें हम प्रयोग करते हैं महोदय। यदि आपका शासकीय पत्र होगा तो हम लिखेंगे महोदय, यदि अर्धशासकीय पत्र हो तो हम उसमें लिखते हैं प्रिय श्री महोदय, ठीक है। यानी अर्धशासकीय पत्र में लिखेंगे प्रिय श्री महोदय, और शासकीय पत्र होगा तो उसमें लिखेंगे महोदय। इसके बाद मुख्य विषय में लिखेंगे कि उपर्युक्त विषयक आप, यानी आपके पत्र संख्या दिनांक के संदर्भ हेतु मुझे कहने का यह निर्देश हुआ है, ऐसे कुछ आप लाइन याद रखेंगे। मैं आपको जब डिटेल में इसका प्रारूप बताऊंगा तब अच्छे से बताऊंगा, अभी फ़िलहाल में आपको समझ लेना है। आठवां है समापन। इसमें ध्यान रखना है समापन में शासकीय पता होगा, शासकीय पत्र में कोई भी आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु अर्ध शासकीय पत्र में आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे सादर, ससम्मान, सम्मान सहित, इन तीनों में से किसी एक शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि जो 9वां और 10वां भाग है ये पत्र का मुख्य भाग नहीं है। संलग्न का उल्लेख करते समय, यानी आप उसके प्रमाण और साक्ष्य के तौर पे जो कुछ भी लगाते हैं उसे संलग्न में लिखेंगे। इसको लिखते समय आप कितने संलग्नक लगाए हैं, एक या दो, यहाँ पर जिक्र करेंगे। उसके बाद उसका नंबर डालते हुए, एक और दो नंबर डालते हुए उसका विवरण लिख देंगे संलग्नक में। प्रतिलिपि का मतलब होता है यदि उसका जीरोक्स कापी किसी अन्य अधिकारियों को
सहायता हेतु या जानकारी हेतु कार्रवाई हेतु भेजा जाता है तो उसे प्रतिलिपि के रूप में उसका हम उल्लेख कर देते हैं। जैसे निम्न को प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु, ऐसा लिखने के बाद नीचे हम जिसको जिसको प्रतिलिपि भेजना है उसका हम विवरण लिख देते हैं। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही। हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर शासकीय पत्र का प्रारूप देखेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अर्धशासकीय पत्रों का प्रारूप देखेंगे। फिर उन दोनों में क्या अंतर है, उनमें क्या समानता है, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उनका महत्व क्या है, इन सभी टॉपिक पर हम एक एक करके चर्चा करेंगे आपसे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हो गया।